Good morning, children. Today we will discuss about worksheet number 1. 8th class की जो English की worksheet आई है DOEF से. आज डेट है 7 September. और 7 September को आज ही हमारी English की worksheet आनी स्टार्ट हुई. अब तक हमारी जो worksheet आ रही थी वैसे common worksheet आ रही थी, ठीक है. आज हमारी English की first poem की Aunt and the Cricket की जो ये worksheet आई है वो मैं आपको इसका जो solution है वो करवाऊंगी. जो आंट एंड क्रिकेट पोयम है मैं इससे पहले वीडियो करवा चुकी हूँ. मैंने इसमें स्टेंजा वन स्टेंजा टू ये अच्छे से आपको क्लियर करवाए हैं, ठीक है. और अब आज मैं ओनली इस वीडियो में इसकी बैक एक्सरसाइज करवाऊंगी. यहाँ से आपको बैक एक्सरसाइज देख के अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है. देखो स्टार्टिंग में देखो इसमें रीड द सेंटेंस गिवन बिलो टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू. आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. यस आप अपना काम कंप्लीट करते हो टाइम पे करते हो आप अपना काम ऑलवेज कभी कभी करते हो या फिर समटाइम्स कभी हमेशा करते हो कभी कभी करते हो या कभी नहीं करते ऑलवेज करते हो ना. आई प्लान माय टास्क एंड एक्टिविटीज. पहले प्लान करके रखते हो अपनी टास्क और एक्टिविटीज ऑलवेज या समटाइम्स. व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. क्या जब तुम काम करते हो तो परेशान हो जाते हो. Given below is a poem about an aunt and a cricket. ये aunt and cricket है. इसमें जो ये silly cricket है ये क्या करता है, जो cricket है इसको silly बताया गया, मूर्ख बताया गया है. accustomed होता बेटा आदि हमेशा गाता रहता है through the warm गर्म sunny month of gay summer and spring. sunny time जो होता है month of gay summer का time जो होता है वो अच्छा time माना जाता है. spring season में भी हमेशा तब तो क्या करता है गाता रहता है. अपने time को use नहीं करता वो बिल्कुल भी. began to complain when he found that at home. और फिर जब अपने घर जाता है गाता रहता है अच्छे मौसम में. और जब घर जाता है तो उसकी complaint start हो जाती है his cupboard was empty. क्योंकि जो उसकी cupboard होती है वो बिल्कुल खाली होती है. एंड विंटर वाज कम. फिर क्या कौन सा मौसम आता है जब सर्दी का मौसम आता है तो उसकी मतलब खाने के लिए अनाज नहीं होता उसके पास. कुछ भी नहीं होता उसके पास खाने के लिए कोई फूड नहीं होता. क्यों? क्योंकि जब कमाने का टाइम था जब इकट्ठा करने का टाइम था ठीक है मेहनत करने का टाइम था तब तो वो सिली जो यंग क्रिकेट है वो क्या करता रहता है घूमता रहता है ऐसे ही. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड. एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिला. क्रम क्या होता है ए पीस ऑफ फूड ठीक है. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. अब क्या होता है सर्दी आ जाती है हर तरफ बर्फ है. नोट ए फ्लावर कुड बी सी. एक फूल भी दिखाई नहीं देता. नोट ए लीफ ऑन ए ट्री. एक पत्ता भी नहीं है ट्रीज पर. ओ व्हाट विल बिकम से द क्रिकेट ऑफ मी. अब वो कहता मैं क्या करूंगा ठंड के मौसम में. एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड. स्टार्वेशन क्या होती है भूख और अकाल से. उसने भूख और अकाल ने उसे बोल्ड बना दिया है. ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेवलिंग विद कोल्ड. अब वो कांप रहा है ठंड के कारण ठीक है. अवे ही सेट ऑफ टू ए मिजरी आंट. अब वो किसके पास जाता है. वो एक आंट के पास जाता है टू सेफ टू कीप हिम अलाइव. ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन. अब वो क्या शेल्टर मांगता. देखो ये गया हुआ यहाँ पर टू करेक्टर है. इसमें हमारे आगे क्वेश्चन में पूछा गया है ये क्या है ये क्रिकेट है और ये क्या है ये आंट है. अब ये इसके पास क्या मांगने गया है. ये इसके पास शेल्टर मांगने गया है. क्यों? क्योंकि जो इसका घर है ना इसने अच्छे से घर को अपने मेंटेन किया हुआ है. जब ये क्या करता है तब तो ये गाता रहता है बस स्प्रिंग सीजन में. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन. क्योंकि अब इसके पास ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन एक मुट्ठी भर अनाज भी नहीं है खाने के लिए. ही विश्ड ओनली टू बोरो. अब वो क्या है बस क्या मांगने गया उधार मांगने गया है. बोरो कहता है टू लैंड उधार मांगने गया हो. ही क्या कहता है ही डिड रिपे इट टुमारो कि वो उसे रिपे कर देगा मतलब वापिस दे देगा टुमारो. फिर इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सोरो. अगर आप हेल्प नहीं करोगी किसको बोलता है आंट को. अगर हेल्प नहीं करोगी तो भूख और दुख से मर जाऊंगा मैं ठीक है. ये था वैसे मैंने पोयम है वो बड़े अच्छे से मीनिंग के साथ क्लियर करवाई है पहली वीडियो में. इससे फर्स्ट जो मेरी वीडियो है इसकी आंट एंड द क्रिकेट की उसमें ठीक है. आज मैं अब आपको ये करवाती हूँ. नेम द टू करेक्टर इन द अबोव स्टेंजा. कौन कौन से करेक्टर है तो लिख दो. सिंपल सा क्वेश्चन है आंट है एक तो और दूसरा कौन सा करेक्टर है आंट एंड क्रिकेट है ठीक है. ये था फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है आंट एंड क्रिकेट ठीक है. सेकंड है व्हाई डिड द क्रिकेट व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन. चूज द करेक्ट ऑप्शन. क्यों कंप्लेन करता है वो.
क्यों कंप्लेन होती है? Why did the cricket complain? There was no food in his cupboard. ठीक है ना ये? क्यों कंप्लेन होती है? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? उसकी कबर्ड में फूड नहीं है. तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें हमारा? यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसमें. There was no food in his cupboard. ठीक है. Find three words from the stanza associated with summer and spring. अब देखो इसमें आया था, तीन वर्ड हमें बताने हैं जो समर वेकेशन, सॉरी जो समर सीजन और स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड हो. वार्म गर्मी होती है, सनी एंड येरा, वार्म सनी मंथ ऑफ गे. ये हम तीनों वर्ड यहाँ पर लिख देंगे. वार्म सनी समर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड थ्री वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेंजा. अच्छा ये हो गया हमारा, थर्ड का आंसर था ये. फाइंड टू फ्रेजेस लाइन फ्रॉम द स्टेंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ द विंटर. अब देखो, अब इसमें ये बताना, हमने टू लाइन बतानी है कि जो लाइन ने ये दिखा रही हो कि विंटर सीजन स्टार्ट होता है. देखो यहाँ से, ऑन द स्नो कवर्ड, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड ही सी. इनमें से कोई भी दो लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हो, कोई भी दो लाइन. ठीक है. व्हाट हेल्प डिड द क्रिकेट आस्क फॉर फ्रॉम द आंट. क्या मांगने गया है वो वहां पर? मनी या पैसा मांगने गया आंट के पास? फूड एंड शेल्टर या वार्म क्लॉथ या फिर गर्म कपड़े मांगने गया? नहीं, क्या मांगने गया है? फूड एंड शेल्टर. ठीक है, ये हमारा आंसर है. फाइंड टू वर्ड्स फ्रॉम स्टेंजा टू दैट आर रिलेटेड टू शॉर्टेज ऑफ फूड. अब दो वर्ड बताने हैं स्टेंजा टू से जो क्या दिखाते हैं? शॉर्टेज ऑफ फूड दिखा रहे हैं. अभी मैंने यहाँ पर बताया था स्टार्वेशन है और दूसरा क्या है? फेमिन. ये दोनों हम यहाँ पर लिख सकते हैं, स्टार्वेशन और अकाल, फेमिन. ठीक है. नेक्स्ट है, फ्रॉम द सेकंड स्टैंजा राइट द राइमिंग वर्ड. अब देखो रेन, रेन का इसमें राइमिंग वर्ड क्या है? ग्रेन. यहाँ पर रेन है, फिर क्या राइमिंग वर्ड पता नहीं क्या होता है? ग्रेन. टुमारो बोरो या सोरो, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो या दोनों लिख सकते हैं, सोरो या बोरो. बोल्ड का देखो इसमें क्या है? बोल्ड कोल्ड. तो ये थी बिल्कुल इजी सी वर्कशीट है हमारी, हमें स्टेंजा से ही इसके आंसर देने थे. बेटा सारे बच्चे इसमें जो मैंने ये बैक एक्सरसाइज कराई है अपनी नोटबुक में बैक एक्सरसाइज करेंगे और जल्दी से ग्रुप पे अपनी पिक सेंड करो. ठीक है, काम करके. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.